अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारीगर, आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। गुज़श्ता रोज से सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चल रहा है, बायकॉट मरी। मरी को बायकॉट कर देना चाहिए, और ये कोई पहली बार नहीं है बल्कि हर सीजन में ये ट्रेंड देखने को मिलता है। लेकिन हर गर्मी के मौसम के अंदर शहरी बेताब हो जाते हैं मरी जाने के लिए। दिल मचल रहा होता है कि जब तक मरी नहीं पहुंचेंगे, जाके बर्फबारी नहीं देखेंगे, स्नोफॉल नहीं देखेंगे, महसूस नहीं होंगे मौसम से, तब तक जिंदगानी के अंदर वो इंजॉयमेंट, वो रंगीनी, वो मज़ेदारी नहीं आएगी। तो मुनाफिकाना तर्ज़ अमल है बहुत सारे लोगों का कि एक तरफ तो वो मरी जाने के लिए मचलते हैं और दूसरी तरफ सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड चलाते हैं बायकॉट मरी का। अब ये बायकॉट करने का क्यों कहा जा रहा है, इस हवाले से डिफरेंट शॉर्ट्स लोगों के अवेलेबल हैं वहाँ से, मरी से, जो लोग कह रहे हैं कि जो 10,000 का कमरा था वो हमें 40,000 में मिल रहा था। वहाँ पर चेन लगाने के लिए लोग 5,000 से 10,000 ले रहे थे। वहाँ गर्म पानी मिल नहीं रहा था, एक चाय का कप लेने के लिए लोग दुहाई दे रहे थे लेकिन वो चाय का कप में असर नहीं था। लोग फंसे हुए थे और लोग उनको एक्सप्लॉइट करने के लिए जो वहाँ के मकामी थे वो तैयार थे। गाड़ी को धक्का लगाने के लिए 5,000 रुपये मांगे जा रहे थे। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा हो सकता है, गालिब इम्कान है, क्योंकि हम जिस सोसाइटी में, जिस माशरे में रहते हैं, वहाँ चंद काली भेड़े भी हैं, ऐसे लोग भी हैं जो लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं, इस्तेहसाल करते हैं, और उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसे ऐंठना या पैसे कमाना होता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं, ये हो सकता है ऐसा हुआ हो। लेकिन इस सारे तनाजुर के अंदर कहते हैं ना कि बहुत दुश्वार है जालिम का पंजा मोड़ना, लेकिन बहुत आसान है मजलूम को इल्जाम दे देना। मैं देख रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के कुछ लोग और उनके सपोर्टर्स इस ट्रेंड को खास तौर पे सोशल मीडिया पे चला रहे हैं बायकॉट मरी का, और उसमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद वहां के मकामी लोगों का बहुत बड़ा अमल दखल था इसके अंदर, उनका मिजाज, उनके रवैये ने इस तरह के साने को जन्म दिया है। मेरा ख्याल है कि डूब के मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को, शर्म का मकाम है जो इस तरह के ट्रेंड चला रहे हैं, और इस ट्रेंड की आड़ में अपनी हुकूमत के कांधों पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे बरी जुमा होने की कोशिश कर रहा है। देखिए, अगर वहां कोई होटल मालिक 10,000 का कमरा 40,000 या 50,000 में रेंट आउट करता है या डिमांड करता है, तो इसमें नाअहली किसकी है, गफलत किसकी है, वो उसकी है जो उसको रेगुलेट करता है, और ऑब्वियसली वो वहाँ की मकामी इंतजामिया है। ये डेप्टी कमिश्नर साहब या असिस्टेंट कमिश्नर मरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जाएं और उसको चेक करें, मकामी इंतजामिया के क्या जो हमारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, क्या उसके खिलाफ वर्जी तो नहीं हो रही। यहाँ देखिए कि वो DC काउंटर होता है ताकि लोगों को सब्सिडाइज चीज़ें मिल सकें, तो वहाँ इंतजामिया सत्तू पीकर सो जाती है। ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि जाकर चेक करें कुछ चेक एंड बैलेंस है या नहीं है। जब चेक एंड बैलेंस नहीं होगा तो लोग शुत्र बेमहार होंगे, उनके ऊपर कोई नुकेल डालने वाला कोई नहीं होगा, उनको काबू करने वाला कोई नहीं होगा, और जिसकी जो दिल चाहेगा, जिसकी जो मर्जी होगी वो करेगा, क्योंकि जंगल का कानून है वहां पर, ऑब्वियसली सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है वहां पर, जिसका जहां पर बस चलेगा किसी कमजोर को देख के उसको कुचलने की कोशिश करेगा, और यही हुआ है जो मरी में हमने देखा है। तो इसमें ऑब्वियसली वो काली भेड़े रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी उससे बढ़कर वहाँ की इंतजामिया की है, मकामी इंतजामिया सो रही थी, उनकी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नंबर टू ये कि मेरी कुछ लोगों से बात हुई है जो वहाँ के मकामी हैं, और आंखों देखा हाल वो बताते हैं कि भूरबन से जीका गली और जीका गली से कुलडन्ना, जहाँ पर गाड़ियाँ फंसी हुई थी, वहाँ पर लोग, वहाँ के जो मकामी थे, वो अपने घरों से राशन लेकर निकले और लोगों तक पहुँचाते रहे। वो कौन लोग थे जिन्होंने अपने घरों के दरवाजे फंसे हुए लोगों के लिए खोल दिए? वो वहां के मकामी लोग थे। वो कौन लोग थे जो गाड़ियों को धक्का लगा रहे थे और बिला मुआवजा लगा रहे थे? वो कौन थे जो शहरियों की मदद के लिए तैयार खड़े थे? वो वॉलंटियर्स कहां से आ गए? वो टीमें कहां से तश्कील पा गईं? वो लाहौर से तो नहीं चले थे और वहां पहुंच गए थे? वो वहीं के लोग थे जो लोगों को हेल्प आउट कर रहे थे, मदद कर रहे थे, और इंसानियत है अभी भी। अगर कोई ये कहे ना कि इंसान मर गया है या इंसानियत नहीं है, लोग बेज़मीर हो गए हैं, तो मेरा ख्याल है कि पूरी की पूरी सोसाइटी को इसका दोष देना, रिस्पॉन्सिबल ठहराना, ये अनजस्टिफाइड किस्म का एक एटीट्यूड है। और ये बायकॉट मरी कर देने से, देखिए एक सियाहती मकाम है, एक टूरिस्ट रिजॉर्ट है, आप दुनिया के अंदर क्या इंप्रेशन दे रहे हैं, दुनिया को क्या बता रहे हैं कि आप इस सियाहती मकाम का रुख ना करें, आप यहाँ ना आए, ये सेफ नहीं है, क्योंकि हम भी यहाँ पर जाना नहीं चाहते। क्या यहाँ पर चोर डाकू लुटेरे रहते हैं? क्या यहाँ पर डकैत रहते हैं? यहाँ पर आपके अपने लोग रहते हैं जो बड़े खूबसूरत लोग हैं। हाँ, वहां पर कुछ बिजनेस कम्युनिटी है जो ताजर लोग हैं, और आपको तो पता है यहाँ पर
कोविड का मामला होता है तो हम क्या करते हैं, ब्लैक में चीजें, मास्क ब्लैक में बिकने लग जाते हैं, यहाँ पर पीपी किट्स नहीं मिलती हैं, वैक्सीनेशंस में जिसका जहां पर बस चलता है वो चलाता है, जाली सर्टिफिकेट्स बनते हैं। तो ये कौमी मिजाज है, ये कोई मरी के लोगों का मिजाज नहीं है, या सिर्फ आप एक इलाके को मिन्हा कर दें पूरे पाकिस्तान से और कहें कि ये नो गो एरिया है, यहाँ नहीं जाना चाहिए, यहाँ पर तो ब्लैक शीप्स हैं, सारे के सारे भेड़िए बैठे हुए हैं, खूनखार हैं, मुंह खोल के मगरमच्छ बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं है। ये बड़ा अनजस्टिफाइड किस्म का है। और वो लोग जो अपने ड्राइंग रूम्स में बैठे हुए हैं ना और इस तरह के ट्रेंड चला रहे हैं, मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जिनके अपने वहां पर होटल्स भी हैं, जिनके अपने वहां पर जो है वो इस तरह की प्लेसेस घर भी हैं, तो वहां जाते हैं। और आपकी अशराफिया कौन नहीं जानता है, आपके सारे लीडर्स के तो घर मरी में है, कितने लीडरान ने अपने घर खोले वहां लोगों के लिए, क्या ये हम अपने आलीशान बंगले खोल रहे हैं मरी के अंदर और यहाँ पर जो लोग फंसे हुए हैं इनको पना देनी चाहिए। कितने लोगों ने इस बात का ऐलान किया, अपने ड्राइंग रूमों में बैठ गए, मिनरल वाटर पी पी के, और भी बहुत सारी बोतलें पीते हैं, मैं अब बताना नहीं चाहता, लेकिन ये कह देना, ट्रेंड चला देना, स्टेटमेंट्स डाल देना। फिर फवाद चौधरी साहब का स्टेटमेंट जो बड़ा पॉपुलर हुआ, अब 1 लाख देखें ना, 1 लाख गाड़ी पहुंच गई है, इसका मतलब लोग बड़े खुशहाल हैं मुल्क के अंदर के सारे, और भाई 1 लाख गाड़ी पहुंच गई है, आप सेलिब्रेट कर रहे थे और अगले ही लम्हे पता चलता है मरी के अंदर तो 5,000 गाड़ी जा सकती है, ठीक है, वहां पार्किंग की जगह नहीं है। आप इसको फखरी अंदाज में बता रहे हैं कि 1 लाख गाड़ी चली गई, डूब मरना चाहिए इस तरह के स्टेटमेंट्स देने से पहले, 1 लाख गाड़ी चली गई है। तो ये इंतजामिया की गफलत नहीं है तो क्या है कि टोल प्लाजा से कितनी गाड़ी क्रॉस करती है, आपके पास कोई काउंट ही नहीं है, कितने लोग वहां पहुंच गए और कितने लोग स्टक है। और फिर ये लोग जो ये इस स्टेटमेंट की आड़ में छुपने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए जी इस बार तो वेदर बड़ा इंटेंस था, जितनी स्नोफॉल इस बार हुई है शायद इससे पहले कभी नहीं हुई। तो मैंने ये डेटा भी चेक किया है और मैंने देखा है कि 2000s के अंदर जो है वो इस तरह का मामला इससे ज्यादा शदीद रहा है, इससे ज्यादा इंटेंस रहा है। ये कोई पहली इंटेंस बर्फबारी नहीं हुई, ये 17 इंच बर्फ पड़ गई है, ये कोई पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी बड़ी शदीद बर्फबारी मरी में हो चुकी है, लेकिन इंतजामिया बड़ी विजिलेंट थी, सेंसिटाइज थे, लोग तैयार थे। ऑब्वियसली फोरकास्ट सबके पास अवेलेबल होती है, लेकिन उसको देखते हुए आपकी इंतजामिया कितनी विजिलेंट है ये डिपेंड करता है। तो इससे पहले इससे ज्यादा बर्फबारी हो चुकी है मेरे सादा से पाकिस्तानियों, अगर कोई ये कह रहा है ना कि इस बार ज्यादा हुई है या इस बार वेदर बड़ा इंटेंस बड़ा शदीद था, तो ये भी गलत बात है, ये भी हकायक से पर्दापोशी के मुतरादिफ है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है जनाब, दोहरा रवैया, दो नहीं एक पाकिस्तान बनाने का एक आइडियल तो है हमारा, लेकिन रियलिटी उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। चित्राल के अंदर ग्लेशियर फटता है, 8 जुलाई 2019 की बात मैं आपको बता रहा हूं, चित्राल में ग्लेशियर फटता है, ग्लेशियर फटने से वहां पर बहुत सारे गांव जेरे आब आ जाते हैं, और उसी जगह पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत, बड़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी होती है, और वो शख्सियत पता है कौन होती है, वो होती है अलीमा खान साहिबा। अलीमा खान साहिबा जो वजीर आजम इमरान खान साहब की हमशीरा है, और कोई नहीं जानता, सिलाई मशीनों से बड़ा मशहूर हुई वो, और एक केस भी, और फिर उसके बाद ऑब्वियसली यहाँ कमजोर आदमी के लिए कानून है, बकरी चोर के लिए कानून है, वो जेलें भुगतता है, जो तगड़ा आदमी है वो निकल जाता है। अलीमा खान साहिबा फंस गई जनाब, और अलीमा खान साहिबा को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर तैयार किया गया कि इनको वहां से निकालेंगे, रेस्क्यू करेंगे हेलीकॉप्टर के जरिए से। और भाई मरी में इतने लोग फंस गए, वहां पर कोई हेलीकॉप्टर क्यों नहीं पहुंचा, वहां अपना बुजदार साहब का जो हेलीकॉप्टर है स्टेट ऑफ द आर्ट, वो 30 घंटे के बाद पहुंचा, और यहाँ पर लोग टाइम देते रहे, अभी पहुंच रहे, अभी पहुंच रहे, तंजीम साजी करते रहे। वो तलाल चौधरी की तंजीम साजी तो बड़ी मशहूर हुई थी, मुझे लगता है बुजदार साहब की तंजीम साजी जो है उसको भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर उसको लिखना चाहिए कि तंजीम साजी भी हो रही थी जिस वक्त वहां बर्फ की चादर ओढ़कर, बर्फ का कफन ओढ़कर मेरे सादा से पाकिस्तानी जाने फानी से कूच कर गए थे, तो उस वक्त बुजदार साहब जो है वो तंजीम साजी कर रहे थे। और फिर वो उनका हेलीकॉप्टर 30 घंटे के बाद पहुंचता है वहां पर, और यहां पर बुजरा और फौज जफर मौत जो है वो स्टेटमेंट्स दागती रहती है। तो मेरे सादा से पाकिस्तानियों, इनकी स्टेटमेंट्स पर ना जाइएगा, ये मुनाफिकाना तर्ज अमल है, ये कोई एक पाकिस्तान नहीं है, ये दो पाकिस्तान है, एक पाकिस्तान अशराफिया का पाकिस्तान है, वो अशराफिया जो हर इस तरह के वाक्य पर जब लाशें गिरती हैं तो मुस्कुराते हुए चेहरे दिखाई देते हैं, मुनाफिकाना स्टेटमेंट्स दिखाई देते हैं, और उसमें मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जिक्र ही नहीं कर रहा, ये फी जमाना, ये अशराफिया एक ही है बेसिकली, ये कोई पीटीआई पीएमएलएन पीपल्स पार्टी, ये तो ढोंग है। असल में वो मुल्क में 1.5-2 दर्जन का रेबड़ है, भेड़े हैं जिनको आप इलेक्टेबल्स कहते हैं, वो किसी भी पलड़े में अपना वजन डालते हैं तो उसकी हुकूमत बन जाती है, इसलिए ये अशराफिया का पाकिस्तान है, न तेरा पाकिस्तान है ना मेरा पाकिस्तान है, ये उसका पाकिस्तान है जो सदर पाकिस्तान है। तो मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मिलकर एक हो जाएं, हमें इकट्ठ की जरूरत है, हम ही मरते हैं, हम ही मदद करते हैं, हम ही निकलते हैं, ये अशराफिया नहीं निकलती है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो कहते हैं कि न राहबर ना किसी राहगुजर से निकलेगा,
हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा, और इसी गली में एक दरवेश गाता फिरता था, तलाश कीजिए खजाना यहीं से निकलेगा। तो आई होप के मैं जो कहना चाह रहा हूं इस पार से उस पार पहुंचा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्रिप्शन ऑन करते हुए साथ देर नहीं लगती। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा क्योंकि कोई और नहीं रखेगा, आपको अपना ख्याल खुद ही रखना है। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।